हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजे बाइकर्स में। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है दोस्तों सुजुकी एक्सेस 125 के ऊपर, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है मिसिंग की और पिकअप की। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो मिसिंग जैसे थ्रोटल लेते ना तो दोस्तों बिल्कुल भी पिकअप नहीं लेती और मिसिंग करती बहुत ही ज्यादा, यानी बहुत ही फटफट करके चलती है, जल्दी सी रेस नहीं पकड़ती है। तो ये समस्या दोस्तों सबसे ज्यादा आती है इस स्कूटी के अंदर, सुजुकी एक्सेस 125 के अंदर, न्यू मॉडल में भी और ओल्ड मॉडल में, दोनों में ये सेम समस्या है। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही चीज समझाने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये वो स्कूटी दोस्तों जिसके अंदर से मिसिंग कर रही है, एक्सेस 125 ओल्ड मॉडल है ये, जिससे नया मॉडल भी आ चुका है पर ये पुराने वाला है, उससे लगभग दोनों में सेम ही प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ इसकी, कैसे किस तरह से कर रही है। देखिए दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट नहीं होती है, पर चौक लेते हैं ना तब स्टार्ट ये हो जाएगी। जैसे चौक खींच लिया है इसका, आप करके दिखाता हूँ आपको। देख रहे दोस्तों, अब सही है ना, जैसे पर इसका मैं चौक हटाता हूँ ना तो अब ये बंद हो जाएगी। देखिए बंद हो गई ना, अब जल्दी से स्टार्ट नहीं होगी, ये सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है इसके अंदर प्रॉब्लम। और आपको लग रहा होगा इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल काफ़ी इसके अंदर। और हमने क्या किया कि इसका कार्बोरेटर तक साफ कर दिया, हमें भी ऐसा लगा था कि कार्बोरेटर अगर हमें कचरा है कुछ ना कुछ, पर कार्बोरेटर क्लीन कर दिया फिर भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिला है, प्लग भी इसका ओके है। पर दोस्तों अगर ये सब कुछ चेक करने के बाद भी ना अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना निकले तो आपको एक पता है क्या चेक करना है सबसे ज़्यादा ना, ये इस पाइप में दिक्कत आई, ये जो एयर फिल्टर की जो पाइप है ना, ये देखिए ये वाली, ये जो हॉस पाइप बोलते हैं ना जिसको, जो रबड़ वाली पाइप होती है ये वाली, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस पाइप को ना यहाँ से खोलना है, यहाँ से ये देखिए यहाँ पर एक तरह का वाशर होता है रबड़ का, वो होना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए मैं आपको खोल के एक बार दिखाता हूँ इसके अंदर है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। तो इसको खोल लेते हैं दोस्तों। ये जो पाइप आती है ये होती है दोस्तों एयर फिल्टर बॉक्स की, ये आप देख रहे हो साइड में पूरा बॉक्स है एयर फिल्टर का। तो यहाँ पर ये नहीं होता ना दोस्तों, तो इसी तरह से दिक्कत करती है बाइक, सॉरी स्कूटी रेस नहीं लेती है। और ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है सबसे ज़्यादा इस स्कूटी के अंदर, ये खासकर एक्सेस के अंदर ही प्रॉब्लम है, ये कंपनी ने पता नहीं किस तरह की बनाई है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों देख रहे हैं, ये सीधा हॉस पाइप है पर इसके अंदर एक तरह का जो वाशर होता है रबड़ का, जो कि इसके अंदर नहीं है, इस तरफ भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, देखिए देख रहे हैं यहाँ पर भी नहीं है, और कंडीशन देख रहे हैं कितनी ख़राब हो रही है अंदर की। तो वो ना होने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, तब वो तो है नहीं और शायद वो अलग से मिलेगा भी नहीं। तो इसका ना हम कोई ना कोई जुगाड़ बनाएंगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ फिर इसको चेक करेंगे। तो वो होता कैसा है वो मैं आपको साइड में इमेज दिखा दूँ, वो इस तरह का वाशर होता है, ये देखिए देख रहे हैं साइड में, ये जो फोटो दिख रही है ना इस तरह का वाशर होता है जो इसमें यहाँ पर लगता है इस साइड। तो चलिए वो नहीं है तो कोई ना कोई जुगाड़ बनाना पड़ेगा। अब इसका जुगाड़ हम बनाएंगे किससे, वो बनाएंगे दोस्तों हम इससे, ये जो देख रहे हैं ना, ये काफ़ी मैकेनिक देखते ही समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है, और जिनको नहीं पता है वो भी मैं आपको बताता हूँ ये कैप किस चीज़ की है। ये होती है ऑयल कैप, जो कि कैस्ट्रोल के, जो कैस्ट्रोल जो स्कूटर वाला ऑयल होता है ना उसमें लगी हुई आती है ऑयल कीप, ये देखिए, ताकि ऑयल आसानी से डाला जा सके उसके वहाँ पर जो आगे का हिस्सा है ना ये वो है। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे इसका जुगाड़, तो चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फटाफट से इसको कटर ले लेते हैं और इसको हम काटते हैं यहाँ से। कटर कहाँ गया, तलवारी हारी ले लेते हैं, इससे हम काटेंगे। दोस्तों इसको काटेंगे यहां से, देखिए कट गया दोस्तों यहाँ से इतना हिस्सा, ठीक है। अब ये हो चुका है रेडी लगाने के लिए, अब चलिए लगाना कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली जो ये जो होल था ना इस तरफ एयर फिल्टर बॉक्स में जो होल है ये वाला, इसमें डालना है इसको, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी वो मैं बाद में कर दूंगा, पहले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए सिंपल आपको ना ऐसे यहाँ पर डाल देना है, देखिए इसको यहाँ पर ये फिट कर देना है, ये देखिए देख रहे हैं अब ये फिट हो गया है, ये देखिए मैं तो नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखिए देख रहे हैं हो गया ना फिट, आपको ठीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से दोस्तों ये हो जाएगा फिट, ठीक है। और इसके ऊपर ना अब लगा देनी है एल्बो, इसकी वापस लगा देनी है ऐसे ही जैसे हमने इसको खोला था,
तो फटाफट इसका पेच और टाइट कर देते हैं। मैं टाइट कर लेता हूँ दोस्तों, एक हाथ से थोड़ा टफ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, पेच टाइट हो गया है एल्बो का, और फाइनली अब इसको स्टार्ट करके और देख लेते हैं क्या इसका कितना फर्क पड़ा है। तो इग्निशन ऑन किया है और सेल्फ लेते हैं इसका। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं सिर्फ एक सेल में स्टार्ट हुई है, और ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें चौक इस्तेमाल कर रखा है। चौक भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं चौक ही मैंने इसका हटा रखा है, देखिए देख रहे हैं। ठीक है, चौक हटाया हुआ है और एक सेल में भी ये स्टार्ट हो रही है, ये देखिए देख रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं, अब गाड़ी यानी जो स्कूटी है बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग वगैरह में परफेक्ट फ्लोरिंग सेट है इसकी, आरपीएम वगैरह सब कुछ स्टेबल है अब। जबकि पहले क्या होता है कि स्टार्ट होने में भी नखरे दिखा रही थी, जल्दी स्टार्ट नहीं हो रही थी, और स्टार्ट हो भी जाती थी तो दोस्तों पिकअप प्रॉब्लम रहती थी इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा झटके दे रही थी। ठीक है, तो फाइनली जो प्रॉब्लम थी वो एक छोटी सी चीज़ के कारण थी, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। तो कभी भी आपके पास एक्सेस आए ना इस तरह की प्रॉब्लम लेकर के, तो एक बार ये एल्बो की पाइप को यहाँ पर जो होता है ना, छोटा सा रबड़ का एक टुकड़ा होता है, जैसे कोई डिस्टेंस बोल देते हैं, कोई वाशर वगैरह बोल देते हैं, तो वो एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि दोस्तों इसके कारण ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है पिकअप की। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने लायक जरूर मिला होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।